हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। एक जमाना था जहाँ पे कई बार लोग इस तरीके से मरते थे जैसे कोई कीड़े मकोड़े मर रहे हों, और इन सब के पीछे कारण ये था कि बहुत सारी बीमारियां उनको होती थी जिस बीमारी का कारण ही नहीं पता, बीमारी हो क्यों रही है ये भी नहीं पता था। कई बार गोली लगने से डेथ हो जाती थी वर्ल्ड वॉर के समय में, लेकिन कई बार ऐसे भी लोगों की डेथ हुई जहां पर कुछ छोटे मोटे चोट लगे हुए हों फिर भी वो डेथ में कन्वर्ट हो जाता था। कारण ये था कि उनके जो छोटे मोटे घाव थे वो सेप्सिस में बदल जाते थे, वो इन्फेक्शन बदल जाते थे और वो संक्रमण तेजी से शरीर में फैलता था और उस व्यक्ति की या उस सैनिक की डेथ हो जाती थी। कारण बस इतना था कि मामूली घाव बड़े घाव में बदल गया और उसके पीछे का जो बेसिक कारण था वो ये एक इन्फेक्शन। उस समय एक ऐसे एंटीबायोटिक की गलती से डिस्कवरी हो गई जिसने पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया, और वो था आपका पेनिसिलिन। गलती से मैंने कहा इसलिए क्योंकि जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पेनिसिलिन को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लेकर के काम करने शुरू नहीं की थी, वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सेरेंडिपिटी यानी कि अचानक हुई खोज के कारण से ये बन गया। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ और कर रहे होते हो उससे कुछ ऐसा चीज निकल करके आता है कि आप सोचते हो अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ पहले से। ये थी उस पेनिसिलिन के डिस्कवरी की छोटी सी कहानी। अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं हमारे मेडिसिन रिव्यू सीरीज में, ये उसी पेनिसिलिन का एक फॉर्म है, एक रूप है, कन्वर्टेड रूप है बोल लीजिए, और इसका जो ब्रांड नेम है वह है पेंटिड 400। ये पेंटिड 400 भले इसका ब्रांड नेम हो, इसमें है क्या? इसमें है पेनिसिलिन जी जिसे हम बेंजाइल पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं, और इसमें जो स्टैंडर्ड डोज है इसका वह है 4 लाख यूनिट्स। बेसिकली ये कह लीजिए कि पेनिसिलिन का ही एक टाइप है। ये क्या है, काम कैसे करता है, यूज कहां करते हैं, मैं आपको यहां पे सब बताने वाला हूं। जब कभी भी हमारी बॉडी में, बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में, चाहे वो आपका नोज हो, थ्रोट हो, ईयर हो, जेंटल पार्ट हो, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, या कोई स्पेसिफिक फीवर हो, सिफिलिस हो, यहां पे स्पेसिफिक पैरोजन के, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में डेवलप होने लगते हैं। ये इन्फेक्शन तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक हम इनके कॉज को ठीक नहीं कर देंगे, मतलब जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण से ये बढ़ रहे हैं, जिस बैक्टीरिया की वजह से बढ़ रहे हैं, उसको अगर आप खत्म नहीं करोगे तो उसे ठीक करना संभव नहीं है। यहां पे हमारा जो ड्रग है पेंटिड 400, दैट इज बेंजाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी, वो एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है जिसके काम करने का तरीका यह है कि वो आपके बॉडी में ग्रो हो रहे बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देता है। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, चलिए मैं एग्जांपल समझाता हूं। आपने कभी संतरा देखा होगा, कभी ऑरेंज खाया भी हुआ होगा, तो ऑरेंज के ऊपर पिल हो, छिलका होता है जैसे आप छिल करके यूज करते हो। एक बार के लिए समझने के लिए हम ये समझ लें, अभी वो मौसम नहीं हो रहा है आपको मैं करके दिखाता, हालांकि मैंने मेन वीडियो में दिखाया भी कई बार, तो ये मान के चलिए कि अगर आपने किसी चीज को गिराया, पड़ाया, कलर लगाया, पेंट कर दिया छिलके के ऊपर, तो क्या वो पेंट संतरे के अंदर जो कलियां होती हैं उन तक पहुंच पाएगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि छिलके ने रोक रखा है। अब अगर छिलके को निकाल दीजिए, अब उसके अंदर पेंट करिए, अब तो डेफिनेटली जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया वैसा ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास भी एक सेल वॉल होता है जो सेल का वॉल यानी कि सेल का दीवाल कहलाता है। ये उसको अलग अलग तरीके के स्टिमुलस से बचा के रखता है ताकि वो अपने रेस्पेक्ट में अपने आप को बचा सके। वो भी तो अपने आप को बचाना चाहता है ना, जैसे हम बचाना चाहते हैं, लेकिन वो अगर बचेगा तो आप नहीं बचोगे, तो आपको बचाने के लिए उसको खत्म करना पड़ेगा। और उसको खत्म करने के कई अलग अलग तरीके हैं, ये एक तरीका नहीं है। उसमें से एक तरीका फॉलो करता है पेंटिड यानी कि हमारा बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी। ये क्या करता है, उसके सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को रोक देता है। मतलब ऐसा समझो कि संतरे के पेड़ में छिलका बनने का प्रोसेस को रोक दिया, तो अब संतरे में छिलका ही नहीं बनेगा, तो छिलका जब रहेगा ही नहीं तो संतरा कहां टिकने वाला है। तो इस तरीके से हमने बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक दी और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता। बैक्टीरिया को खत्म करने वाले एंटीबायोटिक को हम उनके एक्शन के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंगली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली, सिंथेसिस के अकॉर्डिंगली, या फिर उनके जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन एक तरीका आज के लिए जरूरी है जानना, वो है कि उनके स्ट्रेंथ यानी कि उनकी कैपेबिलिटी ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली। ये दो तरीके हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरा होता है बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेंगे, रोक के रखेंगे, आगे उसको ग्रो करने नहीं देंगे, लेकिन जितने हैं अभी फिलहाल उसको नहीं खत्म कर पाएगा पूरा एट अ टाइम। जबकि दूसरा है बैक्टीरियोसिडल यानी कि ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को उसी समय जिस समय आप दवाई ले रहे हो पूरा खत्म कर देंगे। ये दोनों क्या है, कैसे क्लासिफाई किया गया है, और आज का ड्रग क्या कैटेगरी में आता है? जो हमारा पेनिसिलिन है, खास करके बेंजाइल पेनिसिलिन,
ये एक बैक्टीरियसाइडल का एग्जांपल है, क्योंकि अगर आपने बैक्टीरिया का सेल वॉल ही रप्चर करवा दिया, उसके सिंथेसिस को रोक दिया, तो उसका सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं। और जैसा मैंने सेकंड डेफिनेशन में कहा कि उसको अगर आपने किल कर दिया तो वो बैक्टीरियसाइडल के अंदर आएगा। कई मेडिसिन ऐसे ही होते हैं जो इन्हीं तरीके में से किसी एक तरीके को फॉलो करते हैं, जबकि कुछ मेडिसिन ऐसे भी होते हैं जो कम कंसंट्रेशन पे बैक्टीरियोस्टेटिक का काम करेंगे, और अगर उसी मेडिसिन का कंसंट्रेशन में बढ़ा दूं तो वो बैक्टीरियसाइडल का काम करेंगे। लेकिन बढ़ा दूं दैट मींस मेरे ऊपर नहीं है कि एक गोली खाऊंगा तो बैक्टीरियोस्टेटिक, दो गोली खा लेता हूं बैक्टीरियसाइडल, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोली का मतलब यानी कि दवाई का मतलब उसके इंटरनल कैलकुलेटेड डोजेस से है, जो कि कई क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल से होकर के फाइनली इवेल्युएट होता है। तो ये उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक समझ में आया होगा। ये आपको कब लेना है, कब तक लेना है, कब नहीं लेना है, वो भी सुनते जाइएगा। ये आपको तब लेना है जब आपकी बॉडी में जो मैंने पार्ट्स बताए हैं उनमें कोई बेसिक इंफ्लेमेशन या इंफेक्शन, या इंफेक्शन की वजह से इंफ्लेमेशन हुआ हो। डायरेक्टली इंफ्लेमेशन पे नहीं लेना है, इंफेक्शन के साथ ये इंफ्लेमेशन आ गया हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज बेसिकली इंडिकेटेड होता है इंफेक्शन के लिए ही। दूसरा, कब लेना है वो मैंने बता दिया, कब तक लेना है जब तक आपके डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है। अब ये सोच रहे होंगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा खुद से लेना चाहे तो, इसीलिए तो कि आपको खुद से लेना नहीं है। अब जैसा मैंने कहा कि इन्फेक्शन है तो लेना है, इन्फेक्शन वर्ड से ये क्या समझ में आता है आपको कि किसको कितना इन्फेक्शन है, कितना कम, कितना ज्यादा, कितना बहुत ज्यादा है, ये तो समझ नहीं पाओगे ना। आपको लगेगा इन्फेक्शन इज इक्वल टू इन्फेक्शन, चाहे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो चाहे पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो, वो समझा पाना पॉसिबल है क्या, क्वांटिटी पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर आप क्वांटिटी बोलते तो बातें लगे। तो डॉक्टर या फिर आप या कोई भी व्यक्ति जब दवाई लेता है तो उनके सिचुएशन को देख करके ही दवाई लेना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर उनके प्रॉब्लम को देखता, समझता और जानता है कि प्रॉब्लम कब से है, कितना सीवियरिटी है, उसी के रेस्पेक्ट में इसका जो कंसंट्रेशन है डोज का वो बदलता है या उसका ड्यूरेशन बदल सकते हैं। इसलिए कभी भी खुद से नहीं लेना चाहिए। कब तक लेना चाहिए, जब तक डॉक्टर ने बोला है तब तक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर 5 दिन का ड्रग दिया गया है आपको तो आप इसको 5 दिन तक ही लेंगे, 3 दिन 4 दिन ले लेता हूं बाकी तो ठीक होने लग गया, ऐसा आप नहीं करिएगा। एंटीबायोटिक कोई भी हो आपको पूरा कोर्स पूरा करना पड़ता है, अदरवाइज वो जो बैक्टीरिया है वो कम तो हो गए होंगे थोड़ी देर के लिए, बट वो रिलैप होने के चांसेस उनके पास होता है। इसीलिए कभी भी इन एंटीबायोटिक का या किसी भी मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन करना हमारे लिए सही नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं, बट सीवियरिटी बढ़ जाए तो फिर बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।